या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हुआ है माँ दुर्गा का आगमन, खिल रहे हैं भक्ति के फूल चमन चमन। आया है नवरात्रि का शुभ त्योहार, देश भर में बहे उमंग की फुहार। 9 दिन का उत्सव प्रज्वलित आरती धूप, पूजेंगे माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप। पहला दिन समर्पित माँ शैलपुत्री के चरणों में, जिन्हें पूजते हैं जल वायु आकाश और भूमि के रूप में। दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की वंदना, सारा जग जिन्हें मंगल की स्वामिनी है मानता, जीव के कंठ में बैठ वाणी का प्रवाह करने वाली। तीसरे दिन सजती है माँ चंद्रघंटा के पूजा की थाली। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का होता है वंदन, जिनकी कृपा से स्त्रियों को प्राप्त होता है गर्भधन। आती है पांचवे दिन लिए माँ स्कंद माता का रूप, माना जाता है जिन्हें पुत्रवान माता पिता का स्वरूप। छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की वंदना, अमोक फलदायिनी, ये करती है पूरी भक्तों की हर मनोकामना। सातवे दिन माँ काल रात्रि के लिए बहती है भक्ति की लहर, काल से करती है जो रक्षा अंधकार विनाशनी बनकर। आठवें दिन माँ पार्वती का रूप लेकर आती है माँ महागौरी, इनकी पूजा से हो भक्तों का कल्याण, ये है महादेव की अर्धांगिनी। नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री को पूजता है हर मन, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं जिन्हें भक्तजन। और 9 रातों की भावपूर्ण पूजा के बाद आखिर में आता है विजयदशमी का मंगल त्योहार, जब होती है हर अच्छाई की जीत और बुराई की हार। हरि दर्शन की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।